नमस्कार, आप सभी का स्वागत है लाइव लगातार में। मैं हूं आपके साथ कौशल कुमार। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार जो है हर 3 महीने में जिला की जो ट्रैफिक व्यवस्था होती है उसको कैसे बेहतर की जाए, इसको लेकर जो है सांसद, नगर आयुक्त और DC की ओर से जो है बैठक की जाती है, जिसमें कि जितने की यातायात के संबंधित जो पदाधिकारी हैं, चाहे वो DTO हो, जिला परिवहन पदाधिकारी, चाहे जितने भी पदाधिकारी हो, सिटी मैनेजर हो, किस तरीके से ट्रैफिक व्यवस्था को बेहतर की जाए उसके लिए जो है बैठक की जाती है। लेकिन आज ये बैठक होनी है और हो भी रही है, लेकिन रांची के जो सांसद हैं संजय सेठ, वह जो है कहीं ना कहीं नगर आयुक्त और जो रांची के DC है छवि रंजन के नहीं आने से, समय पर नहीं आने से, क्योंकि 12 बजे मीटिंग होना था और आधे घंटे लेट से ये बैठक की शुरुआत की गई है। और रांची के जो सांसद हैं संजय सेठ, ये जो है सभी अधिकारियों को किस तरीके से बेहतर व्यवस्था ट्रैफिक को लेकर की जाए इसके लिए कड़ा निर्देश दे रहे हैं, और क्या कुछ सख्त जो है कार्रवाई करने की बात जो कही है। हालांकि इस मीटिंग में रांची के DC छवि रंजन को भी आना था और नगर आयुक्त जो है उन्हें भी आना था, लेकिन वह दोनों को नहीं रहने से जो है यह मीटिंग में जितने भी पदाधिकारी हैं उनको कहीं ना कहीं रांची के सांसद संजय सेठ जो है वह जल्द से जल्द जो जितने भी काम को दुरुस्त की जाए इसको लिए सख्त निर्देश दिया है। और किस तरीके से फटकार सांसद संजय सेठ ने अधिकारियों को लगाई है, तो ये सिविक सेंस, ये ट्रैफिक सेंस नहीं है। दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, बेंगलोर जाते हैं ट्रैफिक सेंस आ जाता है, रांची आता है ट्रैफिक सेंस खत्म हो जाता है। तो हमने आग्रह किया ट्रैफिक SP और सारे अधिकारियों से कि जो लेफ्ट पे खड़े हो गए तो उनको सीधे मत जाने दो, उसको लेफ्ट टर्न कराओ। जहां उनको लगा कि आपको लेफ्ट टर्न हो गया, हमको उतनी दूर जाना है, तो अगली बार उतना नहीं खड़े होंगे। हमने कहा मेरी भी ड्यूटी ले लो, हमको कोई शर्म नहीं है, मैं किसी भी चौराहे पर 2-2, 4-4 घंटे अपनी सेवा दे सकता हूँ कि वहाँ खड़े होकर हम जनता को ये बता दें कि भाई लेफ्ट में खड़े हो तो लेफ्ट जाना है, जिसको लेफ्ट टर्न करना उसी लेन में जाए, जिसको सीधे जाना वो स्टेट वाले लेन में जाए, यह जरूरी है। अब आप देखो कि हमने एक सुझाव पिछली मरतबा भी दिया था, इस मरतबा भी दे रहे, क्योंकि अब तो बहुत जो एक प्रपोजल था बहुत सालों से रांतू रोड के ऊपर एलिवेटेड रोड, वो लगभग फाइनल की स्टेज पे है, कभी भी टेंडर हो सकता है। तो अभी रांतू रोड चलना बड़ा कठिन है, और अभी हमारे एक साल से जब मैं बोल रहा हूँ तो अभी जो रातू रोड एंड टू एंड बन रही है तो चौड़ीकरण हो रहा है। अब जब एलिवेटेड रोड बनेगा तो एक एक पिलर आएगा, अगर 10-10 फुट का एक पिलर दोगे, 10x10, 15x15, तो आपको उसको दुगना गड्ढा करना होगा। अभी चलने में हम नहीं चल सकते, जब एलिवेटेड रोड बनने का आएगा, जब हम गड्ढा खोदेंगे तो जनता कहाँ जाएगी? उसके लिए एक प्रॉपर प्लान होना चाहिए, ट्रैफिक रूट कहाँ से डाइवर्ट हुआ, कहाँ होगा। अभी चापू टोली वाला है, वो हमने आज से 4 साल पहले करवाया था, अब लेकिन वहाँ भी बहुत नैरो है, पैसा आके पड़ा हुआ है, रैयतों को पैसा देना है ताकि उसका चौड़ीकरण हो जाएगा, अभी पैसा आके कई साल से पड़ा हुआ वो भी नहीं है, उसको जल्दी से जल्दी निपटा रहा हो। तो न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार .in के साथ।